नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातन। देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। बात दिल्ली के सियासी बवाल की करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आपका आरोप यह है कि नोटबंदी के दौरान खादी ग्राम उद्योग का अध्यक्ष रहते विनय सक्सेना ने 1400 रुपए का घोटाला किया था। एलजी के इस्तीफे की मांग को लेकर आपके विधायक बीती रात गांधी मूर्ति के पास रात भर अपनी मांगों को लेकर धरना देते हुए दिखाई दिए। ये किसी पिकनिक या म्यूजिक फेस्ट की तस्वीर नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायकों के धरने की तस्वीर है। गिटार पर आप विधायक रोहित मेहरोलिया हैं और ड्रम पर दिलीप पांडे, साथ में सुरताल मिला रहे हैं दूसरे विधायक। एल विनय कुमार सक्सेना को हटाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली विधानसभा के बाहर गांधी मूर्ति के सामने पूरी रात इसी तरह धरने पर बैठे रहे। धरने की दूसरी तस्वीर देखिए। विधानसभा के बाहर मोमबत्ती जलाकर आप विधायक रघुपति राघव राजा राम गा रहे हैं, साथ में है एलजी के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां। इससे पहले दिल्ली विधानसभा के भीतर का नजारा भी अलग नजर आया। आम आदमी पार्टी के विधायक विनय सक्सेना पर रेड मारो, विनय सक्सेना को हटाया जाए जैसे नारे लिखे प्ले कार्ड लिए विधानसभा के अंदर धरने पर बैठ गए। ये देखिए, कुछ इस अंदाज में सभी नारे लगा रहे हैं और यहाँ पे जहाँ पे सदन की कार्रवाई चलती है वहाँ पर तमाम जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि यहाँ से दिल्ली के अलग अलग मुद्दे उठाए जाते हैं, विधायक अपनी तमाम इलाके की समस्याओं का जिक्र यहाँ पे करते हैं। ये घोटाला तब का है जब केवीआईसी के उस समय के चेयरमैन आज की तारीख में वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना जी। आरोप किसने लगाया, शपथ पत्र एफिडेविट हलफनामा किसने दिया, उस समय के केवीआईसी के कैशियर ने, बड़ा मामूली सा आदमी होता भाई साहब, अपने चेयरमैन के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता अगर इस बात में सच नहीं होता। विधानसभा के भीतर धरने के बाद आप विधायक ने देर शाम को नारेबाजी करते हुए मार्च भी निकाला। बहुत बड़े पैमाने पे जो पुराने नोट थे उनको बदला गया, नए नोट लिए गए, बहुत बड़े पैमाने पे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि जिन कैशियर्स ने आरोप लगाए उन्हीं दोनों कैशियर को ही सस्पेंड कर दिया गया, उन्हीं को ही जेल में डालने की धमकी दी जा रही है, आज उनकी जान को भी खतरा है। जिस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा के भीतर धरने पर बैठे थे, बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर भगत सिंह की प्रतिमा के पास धरने पर थे। बीजेपी के विधायक शराब, क्लासरूम और बस घोटाले पर विधानसभा में चर्चा की मांग कर रहे थे। ये विधायक दिल्ली सरकार से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को हटाने की भी मांग कर रहे थे। जो सैकड़ों करोड़ का आपने भ्रष्टाचार किया है, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, उस पर आप बात नहीं करना चाहते। सीबीआई मुकदमे दर्ज कर रही है, भ्रष्टाचार पकड़ रही है। जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे आज वो खुद भ्रष्टाचार में पकड़े गए। हम राष्ट्रपति जी से मिलेंगे, इनको बर्खास्त करने की मांग करेंगे। हफ्ते से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, दिल्ली की सियासत बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की जुबानी जंग से गर्म है। शराब घोटाले से क्लासरूम घोटाले तक, ऑपरेशन लोटस से बस घोटाले तक नित नए मोर्चे खोले जा रहे हैं। ये तस्वीरें उसी सियासी जंग की एक और कड़ी है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो दरअसल एलजी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो क्यों है ये आपको दिखा देते हैं। एलजी पर आपका आरोप ये है कि नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ का घोटाला एलजी द्वारा किया गया था, अपने कर्मचारियों से काला धन सफेद करवाया उन्होंने नोटबंदी के दौरान। तब खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे विनय सक्सेना और अब एलजी के पद पर हैं, इसलिए पुराना मामला उन्होंने यहां पर निकाला है। आपने जब खादी ग्राम उद्योग ने पुराने नोट लेने बंद कर दिए थे तब
काले धन को सफेद करने के लिए विनय सक्सेना ने कर्मचारियों को पुराने नोट लेने पर मजबूर किया था, यह आरोप आपकी ओर से लगाया जा रहा है। पद का दुरुपयोग कर अपनी जांच खुद कर ली थी। इसके साथ ही जिन दो क्लर्क्स ने आरोप लगाए हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये तमाम आरोप अब विनय सक्सेना पर लगाए गए हैं आप द्वारा, और ये कहा गया है कि नोटबंदी के दौरान इस घोटाले को अंजाम दिया गया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि एलजीवी के सिन्हा के खिलाफ सीबीआई से मिलेगी आप, और कल देर रात उनका धरना तो आपने देख ही लिया किस तरीके से लगातार लामबंद है, वो एलजी के खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं। आज आप प्रतिनिधिमंडल सीबीआई दफ्तर जाएगा, वहां पर अपनी जांच की मांग रखेगा एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ, ये जांच की मांग आप द्वारा। और अब दिल्ली की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर एक बार फिर सीबीआई टीम पहुंच सकती है। सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। सिसोदिया ने कहा कि मंगलवार को सीबीआई उनका बैंक लॉकर देखने वाली है। ट्वीट में आगे लिखा, 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला था, लॉकर में भी कुछ नहीं मिला। सीबीआई का स्वागत है, जांच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा। तो ये खुद जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कहते हुए कि सीबीआई आज एक बार फिर उनके घर पहुंच सकती है, 19 अगस्त को पहुंची थी, एक बार फिर से घर की तलाशी ली जा सकती है। ये भी कहा गया सिसोदिया द्वारा कि 19 अगस्त को हुई तलाशी में कुछ नहीं मिला था, लेकिन ये ट्वीट के जरिए वो बता रहे हैं कि सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला था, लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए पहले भी जब सीबीआई की रेड हुई तभी भी आपको मौका मिल गया था ये कहने का कि कुछ नहीं मिला, आज एक बार फिर ट्वीट के जरिए ये दावा। जी बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी इस वक्त एक तरह से दिल्ली में राजनीतिक महाभारत की भिड़ंत खेल रही है, और इसी के अलग अलग अध्याय हर दिन हमको देखने को मिल रहे हैं। जब से सीबीआई की रेड पड़ी है मनीष सिसोदिया पे, लगातार नए चैप्टर्स खुल रहे हैं, और उसी में से आज एक नया अध्याय, सीबीआई आज मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर को चेक करने के लिए जा रही है। गाजियाबाद के वसुंधरा में पंजाब नेशनल बैंक का ये ब्रांच है जहां पे मनीष सिसोदिया का पर्सनल अकाउंट है, उसके बैंक लॉकर को चेक करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंचेगी। और मनीष सिसोदिया ने खुद ये जानकारी ट्वीट करके लोगों से साझा की थी कि किस तरह से सीबीआई की टीम उनके बैंक लॉकर की जांच करने वाली है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले दिन भी जब सीबीआई की रेड पड़ी थी मनीष सिसोदिया के घर पे, उस दिन खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा था कि हम सीबीआई की टीम का स्वागत करते हैं, वो जांच कर सकते हैं, लेकिन इस रेड से कुछ नहीं निकलेगा। और ठीक उसी टोन और टेनर का ट्वीट एक बार फिर से मनीष सिसोदिया की तरफ से आ रहा है, जहां पे ये दावा किया जा रहा है कि सीबीआई की टीम को जैसे उनके घर से कोई दस्तावेज नहीं मिला, कोई इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, कोई पैसा नहीं मिला, ठीक उसी तरह से कोई भी एविडेंस उनके बैंक लॉकर से भी नहीं मिलेगा। यानी कि मनीष सिसोदिया कॉन्फिडेंटली इस वक्त इस पूरी जांच के सामने खड़े हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टांस भी हो सकता है। दूसरी तरफ देखिए कि ये इस पूरी सीबीआई की जांच की वजह से दिल्ली में राजनीति कम से कम गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ, आबकारी नीति में भ्रष्टाचार, और अब दिल्ली के क्लासरूम्स के कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। और यहां तक सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की भी मांग हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में बहुत स्ट्रैटेजिक कदम उठा रही है और लगातार अग्रेसिवली एलजी पे अटैक कर रही है, सीबीआई पे अटैक कर रही है, बीजेपी पे अटैक कर रही है। आज एक तरफ सीबीआई का एक्शन गाजियाबाद के पंजाब नेशनल ब्रांच में दिखेगा, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का धरना दिल्ली असेंबली के अंदर चलता रहेगा दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ, और उनपे भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, कह रही है कि डिमोनेटाइजेशन के समय उन्होंने दबाव डाल के जो खादी ग्रामोद्योग है उसके अलग अलग ब्रांचेस में बंद हुए नोटों को बदलने का दबाव अपने एम्प्लॉयज पे डाला था। और संभव यह है कि सेकेंड हाफ में आज फिर से सीबीआई दफ्तर के बाहर एक्शन देखने को मिले, जहां पे आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन संभवतः जिसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता हो सकते हैं है। वो सीबीआई के दफ्तर में जाएंगे और वहां पे एक कंप्लेंट देंगे दिल्ली के एलजी के खिलाफ और जांच की मांग करेंगे। जी
बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम से खबर आ रही है जहां पर कुछ तस्वीरें आई हैं एक हादसे की। बाइक को टक्कर मारने के बाद 1.5 किलोमीटर तक घसीटता कार सवार ने, टक्कर मारने के बाद बाइक को घसीटा। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुका है। शनिवार शाम 8 बजे की घटना, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर इस घटना में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाइक को 1.5 किलोमीटर तक घसीटने के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया है। कार कब्जे में ले ली गई है, गुरुग्राम पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक आरोपी फरार है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब ये कार चालक बाइक को घसीट रहा था, लगभग 1.5 किलोमीटर तक यही चलता रहा, जिसके बाद बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शनिवार की यह घटना है शाम करीब 8 बजे की, जहां पर यह हादसा हुआ है जिसमें कार सवार ने बाइक सवार को दूर तक घसीटा। सोशल मीडिया पर अभी यह वीडियो वायरल हो चुका है और देखिए किस तरीके से ये घसीटता हुआ बाइक सवार, जिसके बाद गंभीर चोटें दोनों बाइक सवारों को आई। बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खबर यह है कि आरोपी सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से हिरासत में लिया गया है। लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार कहां है ये मुख्य आरोपी, अब ये अजरबैजान पाया गया है, वहां पर इसे हिरासत में लिया गया है। सचिन बिश्नोई इसका नाम है जो कि मुख्य तौर पर मूसेवाला हत्याकांड में शामिल था। मूसेवाला मर्डर मामले में ये बड़ी खबर, अजरबैजान में हिरासत में लिया गया है सचिन बिश्नोई। देखते रहिए आज तक। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।